आसवा संपूर्ण खबर को स्वल्प दूरगामी क्षेपणास्त्र प्रलयर व्यवहारिक परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप 9:50 परीक्षण हो भूपृष्ठ भूपृष्ठ को निक्षेप हो पार्थ्वा विध्वंसकारी क्षेपणास्त्र हो प्रलय 350 रु 500 किलोमीटर मध्य प्रलयर लक्ष्यभेद क्षमता रही प्रलयर ओजन 5 टन होता बेले 800 किलोग्राम पर्यंत युद्धास्त्र बहन करार क्षमता रखुची। स्वल्प दूरगामी क्षेपणास्त्र प्रलयर आज व्यवहारिक परीक्षण करा अब्दुल कलाम द्वीप सकाळ 9:50 समय यार व्यवहारिक परीक्षण करा सूचना रही भूपृष्ठ भूपृष्ठ को निक्षेप करा विध्वंसकारी क्षेपणास्त्र हो प्रलय तेज प्रलयर 350 रु 500 किलोमीटर हो लक्ष्यभेद क्षमता लक्ष्यभेद क्षमता प्रलयर जदि आम देखा 350 रु 500 किलोमीटर प्रलयर ओजन 5 टन होता बेले 5000 किलोग्राम होता बेले प्रलयर ओजन 800 किलोग्राम पर्यंत युद्धास्त्र बहन करार क्षमता रही जो टार्गेट कर से टार्गेट रे जो विध्वंसकारी क्षेपणास्त्र बहन करार क्षमता हो 800 किलोग्राम स्वल्प दूरगामी क्षेपणास्त्र प्रलयर आज व्यवहारिक परीक्षण कर अब्दुल कलाम द्वीप सकाळ 9:50 समय यार व्यवहारिक परीक्षण करा भूपृष्ठ भूपृष्ठ निक्षेप हो पार्थ्वा विध्वंसकारी क्षेपणास्त्र हो प्रलय ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित रही न्यूज एट ओडिया प्रतिनिधि सत्य नारायण आम सहित सीधासल्क जोड़ी होती सत्य जो भाव में प्रलयर आज परीक्षण करा जायछि एही व्यवहारिक परीक्षण रे भूपृष्ठ रु भूपृष्ठ को निक्षेप करि पारुथबा एही क्षेपणास्त्र आगो को भारत को केमिति सहाय्य सहयोग करिवो सेना रे एहा को केबे व्यवहारिक हिसाब रे शामिल करा जिवो से संपर्क रे कोन तथ्य रहूछि देखंतु तपन आज जो परीक्षा करा जाय प्रलय क्षेपणास्त्र ए क्षेपणास्त्र टी हेउछि ओटे स्वल्प दूरगामी क्षेपणास्त्र जहाँ रेंज हूँ 350 रु 500 किलोमीटर आउ ये 700 किलोग्राम पर्यंत उभय पारंपरिक आउ आणविक अस्त्र भी नहीं पार साथी नहीं पार ये प्रलय क्षेपणास्त्र गोटे खासियत ये हूँ जे ये किसी निर्दिष्ट दूरता पर्यंत गलापर माने भूपृष्ठ निक्षेप होबार किसी दूरता निर्दिष्ट दूरता जो निर्धारित होइथिबो से पर्यंत पहुँचला परे ये मझीरे तार गतिपथ बदल पड़ो यार माने हूँ जे टार्गेट को फॉलो करके ये ताको गाइडेड मिसाइल जो कहे आम ये किसी दूर किसी निर्धारित उच्चता पर्यंत उठला परे ये मझीरे बाट बदल पार दिग बदल पार ये क्षेपणास्त्री ये मुख्यतः सेना बाहन यहाँ डिजाइन कराई ये जो प्रलय क्षेपणास्त्री रही ये क्षेपणास्त्री सेना बाहन स्थल सेना डिजाइन कर जो क्षेपणास्त्री आउ यार ये प्रलय क्षेपणास्त्र को 2015 आरंभ कराई था ये क्षेपणास्त्री विशेष कर शत्रुपक्षर जो टैंक रही जो बंकर रही किभरी नष्ट किभरी ध्वंस करके रखिक प्रलय क्षेपणास्त्र को डिजाइन कर मारक क्षमता जो कहे आम यार ओजन हूँ 5 टन ओजन आउ ये 800 700 किलोग्राम रु ऊर्ध युद्धास्त्र बहन कर रही प्रलयर क्षमता आउ ये जो गाइडेड मिसाइल जो आम कौचे ये जो सहजरे एटा धरा पड़े नहीं रैडर रे धरा पड़े नहीं शत्रु रैडर भितर सहजरे आसो ना ये जो क्षेपणास्त्री अच्छी आप जानते जो टनेल रही जो शत्रुपक्ष टनेल जो बंकर रही केमती भेदब से लक्ष्य कर जो प्रलय को डिजाइन कराई प्रलय को प्रलयर डिजाइन हो पृथ्वी पृथ्वी क्षेपणास्त्र शैली यह निर्माण कर पृथ्वीटा लॉन्ग रेंज मिसाइल यहाँ हूँ शॉर्ट रेंज मिसाइल मध्यम धरण मिसाइल ये लो हाइट रे माने कम हाइट रे ये उड़ी था जो जहाद्वारा कि सहजरे माने डिटेक्ट करी हेबो नाही तपन हाँ तेरे संपूर्ण इंडिजिनियस आम कहीपर संपूर्ण स्वदेशी ज्ञानकौशल विकसित करा कौनसी अन्य क्षेपणास्त्र डिजाइन बा तार टेक्नोलोजी को एथरे व्यवहार करा जाय छी से संपर्क रे किछि तथ्य रहूची ना संपूर्ण भाव इंडिजिनियसली यहाँ को डेवलप करा जाय छी तपन एटा संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्माण कर डीआरडीओ पक्षर विकास कर आमर जो डीआरडीओ रही से यहाँ विकास कर क्षेपणास्त्री आमर जो सेना बाहन आवश्यकता को दृष्टि रखी यहाँ
निर्माण कराई ये जो प्रलय क्षेपणास्त्र मुख्यतः जो सीमार सीमावर्ती अंचल मुतयन करपन सत्य आउ गोटे कथा मतलब जानापी चाहिए यह न्यूक्लियर वारहेड बहन करार क्षमता रखुच्छी ना केवल पारंपरिक युद्धास्त्र बहन करार क्षमता रखुच्छी निश्चय तपन मुझे पूर्व कही सारी ये उभय पारंपरिक आउ न्यूक्लियर वारहेड दुईट प्रकार आणविक दुईट प्रकार अस्त्र साथी नहीं जापर ये से हिसाब से यार डिजाइन कर तपन निश्चित भाव में सत्यनारायण रही न्यूज 18 ओडिया प्रतिनिधि आम सहित सीधासल जोड़ी होते न्यूज रूम में अधिक आलोचना करुते आज प्रलय क्षेपणास्त्र व्यवहारिक परीक्षण कर 350 रु 500 किलोमीटर दूरता लक्ष्यभेद क्षमता रही प्रलयर 5 टन ओजन विशिष्ट प्रलय क्षेपणास्त्र 800 किलोग्राम पर्यंत उभय पारंपरिक और आणविक युद्धास्त्र बहन करिवार क्षमता रखुच्छे लोकंकु हत्या करा जाउछि वायु प्रदूषण पाई लोकंकर समस्या बढ़ी बढ़ी चली एथिपाई सरकार दृष्टि देवा जरूरी यदि सरकार यहाँ पर ध्यान न दिंती तेबे अदालत आग को दृढ़ कार्यानुष्ठान ने दिल्ली और पंजाब सरकार को समालोचना करी एहा कहिछंती सुप्रीम कोर्ट जातीय राजधानी रे दिनक दिन वायु प्रदूषण स्थिति बिगड़े लगी सरकार एथिप्रति ध्यान देवा बदल राजनीतिक बयानबाजी जारी रखिछंती कोर्ट दिनक दिन अधिक नड़ा जला परे अंकुश लागी पारू नाही सरकार एथिप्रति केबे दृष्टि देबे बोली प्रश्न करिछंती कोर्ट पंजाब सरकार रखिथिबा जुक्ति नै असंतोष जाहिर करिछंती सर्वोच्च अदालत से भली दिल्ली रे किछि स्मोक टावर बंद हेबा फलरे एहाकु नै चिंता जाहिर करिछंती कोर्ट दिल्ली सरकार लागू करिथिबा ऑड इवन नियम उपरे प्रश्न उठाई कोर्ट कहिछंती एहा पूर्वरु केते सफल होईछि ताहा समस्त जानिछंती प्रदूषण रोकिबा पई पंजाब और दिल्ली सरकार आवश्यक पदक्षेप नेबा जरूरी नहले कोर्ट बुलडोजर चलाइबा आरंभ कले एहा रोकिबो नाही बोली कहिछंती सुप्रीम कोर्ट तबे कोर्ट को राय परे एहा कु नै जोर धरिछि राजनीति देखिए आम पार्टी का जो लक्ष्य है खाली भ्रष्टाचार करना लोगों की जनता की नजरों में धूल झोंकने का काम है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है साफ साफ दिखाई देता है पंजाब के कारण दिल्ली तक का पोल्यूशन फैल रहा है और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर कहते हैं कि पंजाब के अंदर पॉल्यूशन नहीं है या इनको बताना चाहिए कि जो आपने केमिकल बनाए थे जिसके कारण से पराली का सब्स्टिट्यूट था उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया क्या उसके लिए माफी मांगेंगे आप जो गांव वालों को आपने प्रभावित करा था कि हम पराली का ये सब्स्टिट्यूट देंगे आप क्यों नहीं कर रहे आप नियम नहीं कानून नहीं चला पा रहे वहां पे आपका शासन है कि शासन नहीं कर पा रहे वहां गरीब लोग किस प्रकार से धुएं के कारण मर रहे हैं किस प्रकार से बुजुर्ग लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप शासन करने लायक नहीं है खाली जनता को गुमराह कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर भी वही हालत हो रहा है प्ले कार्ड लेके खड़े करेंगे ओड इवन करना शुरू कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे और ऐसे करके 3 महीने बिता देंगे और 3 महीने बाद वो कहेंगे जब पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा पराली जल्दी बंद हो जाएगी कहेंगे कि देखो हमने बहुत प्रयोग किया और आज पॉल्यूशन कम हो गया इसलिए देश की जनता और दिल्ली और पंजाब की जनता में धूल झोंक रहे हैं मैं उनके निर्णय का कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं देखिए पॉल्यूशन एक ऐसा इश्यू है जो सिर्फ दिल्ली का नहीं है वो पूरे देश का है पूरे दुनिया का पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही मेजर इश्यू है पॉल्यूशन और इस सब पे ब्लेम गेम से ज्यादा हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए नगर निगम भी और दिल्ली सरकार दोनों ही हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे हम दिल्ली की जनता को एक साफ सुथरी हवा दे पाए सांस लेने के लिए क्योंकि जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जो उनको लंग्स की प्रॉब्लम है बच्चे हैं बुजुर्ग हैं सबको सांस लेने में दिक्कत होती है और एमसीडी की अगर हम बात करें तो लगभग 517 टीमों का गठन किया गया है जिसमें 1100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को लगाया गया है ग्राउंड लेवल पर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में वाटर स्प्रिंकलर्स हो एंटी स्मॉग गन्स हो साथ ही जेटिंग मशीन हो इंटेंस तरीके से पानी का छिड़काव हो रहा है 13 जो हॉटस्पॉट जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया था तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है पॉल्यूशन लेवल में जो है डिक्लाइन हुआ है।